नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में कोरोना संकट काल के बीच चुनाव हो या ना हो, इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव फिलहाल संभव नहीं है, लोग मर रहे हैं, कोरोना संकट काल से लोग जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ बाढ़ की त्रासदी भी बिहार में है, और ऐसे में सत्ताधारी पक्ष अगर चुनाव की बात करता है तो ये लोगों के साथ बेमानी होगी। विपक्ष के नेता लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की चिंता है, चुनाव की चिंता है, लोग मर रहे हैं, लोग हलकान हो रहे हैं, लोगों की चिंता सरकार को बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले विपक्ष के नेताओं का हम बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें उन लोगों ने सरकार को घेरा है। बिहार में चुनाव समय पर हो या बाद में हो, बिहार में बीजेपी एनडीए की स्थिति ठीक नहीं है, ये सबको अंदर खाने पता है। जो सर्वे में पता चला है भारतीय जनता पार्टी को, उनको ये पता चल गया है कि बिहार की जनता गुस्से में है। जिस तरह से बिहार की जनता को इस डबल इंजन की सरकार ने धोखा देने का काम किया है, जनता को बाढ़ हो चाहे कोरोना हो चाहे हर मुद्दे पर बिहार की सरकार ने जनता को ठगने का काम किया। अब जनता की बारी है, 15 वर्षों का हिसाब जनता पाई पाई लेगी एनडीए सरकार से। ये सरकार की नाकामी और इस नकारा सरकार को बिहार की जनता उखाड़ कर फेंकेगी, चाहे चुनाव तय समय पर हो चाहे चुनाव बाद में हो। जब भी चुनाव होंगे ये सरकार का जाना तय है, उसी तरह से जिस तरह से सूरज का पूरब में उगना तय है। बिहार में चुनाव से पहले हजारों करोड़ की परियोजनाओं का आनन फानन में शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। इतने आनन फानन में जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी स्थिति 70 घाट पुल जैसी ही हो जाए और बिहार सरकार की फिर से थू थू। लेकिन इन लोगों को फर्क ही क्या पड़ेगा, इन लोगों के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है, कोई मुद्दा है, तो वह है चुनाव समय पर होने चाहिए। इनका फायदा कैसे हो पाए, यही इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। हम सब जानते हैं कि पहले ही बिहार पूरे देश में बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। आप किसी भी इंडेक्स की बात कर लें, नीति आयोग की रिपोर्ट की बात कर लें, हर स्तर पर बिहार पहले से ही इतना पिछड़ा हुआ था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सबकी स्थिति बिहार में कितनी बदतर पहले से ही थी, और इन सब के बीच अब बिहार के ऊपर फिर से दोहरी मार लग रही है। जब बाकी जगहों पर कोरोना के जो मामले हैं वो कुछ घट भी रहे हैं, बिहार में लगातार ये मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। विपक्ष के इतने दबाव के बाद कोरोना की टेस्टिंग कुछ बढ़ी भी है, लेकिन अब भी बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बदहाल है। कि बिहार दो दो विपत्तियों से गुजर रहा है, ऐसे में चुनाव हो या न हो ये चुनाव आयोग तय करेगी। लेकिन जो सरकार का रवैया रहा है जनता के प्रति, जनता में आक्रोश है और बिहार की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। डबल इंजन की सरकार कहीं भी नहीं दिख रही है, ना कोरोना संकट में दिखी और ना बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोई दिख रही है। तो ऐसे में जनता विकल्प खोज रही है और जनता के दिलों में परिवर्तन का मूड चल रहा है और जनता सब देख रही है कि हमारे आंसू पोछने कौन आ रहे हैं। ऐसे में कोई मात्र दिख रहा है धरातल पर, जो लोगों के बीच गांव-गांव हर गरीब के पास पहुंच रहे हैं, वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी हैं, और पप्पू यादव जी सबों के दिलों पर छाए हुए हैं। तो सुना आपने विपक्ष के नेता कैसे सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार में फिलहाल चुनाव संभव नहीं है। मृत्युंजय तिवारी ने तो ये तक कह दिया कि अगर चुनाव होता भी है तो ये समझ के चले सरकार कि अब बिहार में शाख जो है खत्म होने वाली है, बिहार में सरकार की लुटिया जो है डूबोने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, और हमें आप ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।